बहुत बहुत धन्यवाद पहले हेमा जी का कि उन्होंने आज हमें यहाँ आमंत्रित किया, और इतने सारे लोग जो कि एक ही फिल्म से संबंधित हैं, शायद बड़े सालों के बाद ऐसा हो रहा है। हालांकि धर्म जी, हेमा जी हमारे घर के पीछे ही रहते हैं, यहाँ जुहू में। यहाँ से अगर मैं चिल्लाऊँ तो धर्म जी मेरी आवाज़ सुन लेंगे, और दो कदम चलूँ तो हेमा जी के यहाँ पहुँच जाऊँगा, लेकिन वहाँ कभी मिलना होता नहीं है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद हेमा जी कि आपने आज ये कार्यक्रम आयोजित किया ताकि हम सब लोग इस मंच पर आकर के मिल सकें। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ हमेशा, और आप इसी तरह। अभी जया कह रही थी कि ये हेमा जी कितना काम करती हैं, हम लोग कुछ काम ही नहीं करते हैं। राजनीति में हैं जी, राजनीति में हैं, पार्लियामेंट जाती हैं, मथुरा संभालती हैं, नृत्य भी करती हैं, डांस परफॉर्मेंस होता है इनका, गाना भी गा रही हैं, हम लोग तो कुछ करते ही नहीं हैं। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि आज के बाद हम लोग भी कुछ ऐसा करने का प्रयत्न करें। आपने ज़रा दिल से पूछिए अहमद कितना झूठ बोल रहे हैं। पूरी इंडस्ट्री का इंजन बना हुआ है, सब पीछे पीछे चुक 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 करते चल रहे हैं। मैं देखता हूँ इसकी कौन सी स्पीड, ये कैसे कैसे चल रहा है। कोशिश करता हूँ लेकिन ये जवान बच्चा मेरा बाज नहीं आता, कुछ ना कुछ करता ही रहता है। आज पता चलता है इसने ये किया है, कल वो करेगा, परसों वो करेगा। भगवान इसको बहुत लंबी उम्र दे। मेरा प्यारा प्यारा छोटा भाई है, जी जान से प्यारा है, ये जितना करेगा हम सब के लिए एक सबक बन के रह जाएगा। अब इसके बारे में, और मेरी ये प्यारी सी गुड्डी बैठी है, मैं नहीं अभी मैं ये कहना चाहूँ कि फिल्म गुड्डी में इन्होंने मुझे बताया कि धर्म जी मैं आपकी फिल्में देखती थी, अनुपमा, देवर, फूल और पत्थर, तो आज भी वो लम्हा, वो बैठे हुए कुर्सी पे मैं ऑटोग्राफ दे रहा हूँ, वो नक्श हो के रह गया है। मैं अपनी गुड्डी को कभी भूल नहीं सकता। इन्होंने एक सच्चाई से जैसे मुझसे कहा, ये मेरी बच्ची है, बहन है, सब कुछ है, और इनको भी बहुत सा प्यार, बहुत सी दुआएं। और पास में खाम खा सफ़ेद मूंछ बन लगाए क्यों बैठे हैं, अच्छे खास जवान हैं, बाकी लोग भी तो रंग लेते हैं, आप क्यों नहीं रंगते हैं। चेहरे पे लाली है, सुर्खी है, ये हमारे प्यारे बच्चे ही कह लो। मेरे पास आए फिल्म, पहली फिल्म इनके साथ जो मैंने की थी, सीता गीता, कल रात को 1 बजे शाम राम और शाम आ रही थी। मैं देखता रहा, दिलीप कुमार का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, फिर मैं सीता गीता को कुछ लगा कि ये इससे इस ऐसा होता है, ऐसे होता है। बहुत अच्छी फिल्म बनाई इन्होंने, और मैंने एक चालू एक्टर का रोल किया, शायद पसंद आया हो जिसने देखी होगी तो। और मैं सुप्रिया के नाम से सुप्रिया चौधरी याद कर बैठा था, लेकिन इनका इनका नाम बाबुल सुप्रिया है। मैं इनको भी सर, आप सिर्फ इतना याद रखिए, जैसे आपने बच्चन साहब के लिए कहा है ना, इन्होंने जो जितने बड़ी बड़ी कमाल की फिल्में बनाई हैं उसमें बाबुल भी एक फिल्म है। हाँ, बाबुल बहुत अच्छी। कुडंट रेजिस्ट दैट, सॉरी। नहीं यार, ये तो बाजी मार जाता हर बात में।